वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चन। बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो इसका आंसर बहुत ही इजी है कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। आगे हम इसका आंसर जानेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होने वाला है, करंट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एसी करंट किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, डीसी करंट किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वोल्टेज किसे कहते हैं। और छठा क्वेश्चन है, वायर और केबल किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। और हमारा सातवां क्वेश्चन है, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है। और हमारा आठवां क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। हमारा नौवां जो क्वेश्चन है, एमसीबी या किसी भी सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। और हमारा दसवां और जो फाइनल क्वेश्चन है वो है, एसी और डीसी मोटर में किसके आरपीएम ज्यादा होते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हर एक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना देर करे फटाफट इन सबके आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कितने प्रकार की होती है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है हमारी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकते और ना ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसका हम घरों में, इंडस्ट्रीज में और जो यूज करते हैं, टेलीवाइज में इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं अपने घर में, ये होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम वायर कंडक्टर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बस बड़ी आसानी से सक्षम है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, करंट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रवाह को करंट कहते हैं, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज कैनो एज करंट। मतलब कि दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे वोल्टेज की मदद से ही हमारे कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा करंट होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारा वोल्टेज कार्य करता है। करंट दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। तीसरा क्वेश्चन है, एसी करंट किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, एसी की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रतिवर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। जब धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित हो रही होती है, तो इस प्रकार के धारा को एसी करंट कहते हैं। एसी करंट एक हमारी साइन वेव में चलता है, जो नीचे दर्शाया गया है। हम एक वेव फॉर्म भी कहते हैं कि हमारा जो करंट होता है वो एक वेव फॉर्म में चलता है, वो हमेशा क्या होता है, उसकी दिशा बदलती रहती है। आप जब इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, जो मैंने इस आंसर में भी बताया है, कि हमारे एसी करंट की जो दिशा है वो हमेशा बदलती रहती है, यानी कि स्थिर नहीं रहती है, जो आप वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डीसी करंट किसे कहते हैं। दोस्तों, डीसी की फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट अर्थात दृष्टि धारा, इसको हिंदी में बोलते हैं। जब धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित ना हो रही हो, तो इस प्रकार की धारा को दृष्टि धारा या डीसी करंट कहते हैं। आप नीचे वेव फॉर्म में भी देख सकते हो। और दोस्तों, डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये हमारा सीधा एक लाइन में, एक दिशा में चलता है, यानी कि ना इसमें समय के टाइम, ना इसमें दिशा के टाइम कोई भी परिवर्तन नहीं होता है हमारा, इसीलिए इसको हम डीसी करंट कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट, ये हमारा एक ही दिशा में चलता है। पांच नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट के प्रवेश को वोल्टेज कहते हैं, इसे हम ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। दोस्तों, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और इसको हम वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जब भी दो बिंदुओं के माध्यम आवेश का अंतर होता है तो ये वोल्टेज कहलाता है। मतलब हम जब भी वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो कभी भी आपने देखा होगा कि हम सिर्फ फेज वायर से मेजर नहीं करते, हमको सर्किट कंप्लीट चाहिए होता है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच ही हमारा वोल्टेज को मापा जाता है, या तो फेज या फेज टू फेज मापा जाएगा या फेज टू न्यूट्रल मापा जाता है। हमारा छह नंबर क्वेश्चन है, वायर और केबल किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है, जब किसी भी चालक या कंडक्टर पर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है तो वह तार मतलब वायर कहलाता है, और जब किसी भी कंडक्टर पर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वह केबल कहलाता है।
कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा एक मतलब सिंगल वायर है, इस पे कोई भी इंसुलेशन नहीं किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा वायर। और एक हमारा दो नंबर जो पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो हमारे ये वायर है और वायर के ऊपर क्या इंसुलेशन कर दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, केबल कहलाएगा। दोस्तों वायर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सॉलिड वायर जो आप देख सकते हैं, और जो इस तरफ है दूसरा वायर है, ये कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड वायर, यानी कि हमारे जब कई सारे छोटे छोटे वायर को मिलाकर एक वायर बनाया जाता है तो वो कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड वायर। और जो सॉलिड वायर है हमारा एक सिंगल वायर होता है, यानी कि ये सॉलिड भी होता है, थोड़ा हार्ड होता है, और ये कहलाता है हमारा सॉलिड वायर। अब आता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है, न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफर के द्वारा मिलता है, न्यूट्रल का उपयोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है, ये तो आप जानते ही है दोस्तों। अगर मुझे कोई बल्ब को जलाना है, आप जानते ही है दोस्तों, अगर हमें किसी भी इक्विपमेंट को चलाना है तो हमें सर्किट कंप्लीट करना होता है। जैसे कि अगर मैंने किसी भी इक्विपमेंट को फेस सप्लाई दी तो मैं उसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए मेरे को न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल होता है वो सर्किट को कंप्लीट करने का कार्य करता है। वही बात करें अर्थिंग की, अर्थिंग पॉइंट हमें जमीन में गड्ढा करके रोड पाइप डालकर मिलता है। जमीन के अंदर पाइप से एक वायर को निकालकर उपकरण के बॉडी से जोड़ देते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। और अर्थिंग का उपयोग इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किया जाता है, यानी कि सेफ्टी के लिए किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक संचालित यानी कि ऑपरेट होने वाला इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट और उपकरण की ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया होता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने पर हमारे उपकरण में बहुत अधिक करंट बहने लगती है, तो इस अधिक करंट को सर्किट ब्रेकर बहने से रोकता है। इसका मुख्य काम खराबी का पता चलने पर करंट के फ्लो को रोकना होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर हमारा कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड हमारा कोई इक्विपमेंट ले रहा है करंट, तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, जो उसका रेटिंग करंट है, अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा कोई भी सर्किट ब्रेकर क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा। जैसे MCB, ACB या MCCB, ये सब क्या है दोस्तों, ये एक सर्किट ब्रेकर है। 9 क्वेश्चन, MCB या किसी भी सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें कितने पोल की MCB या सर्किट ब्रेकर की जरूरत है। इसके बाद हम उस उपकरण की पावर रेटिंग या करंट पता करते हैं जिसमें हमें MCB को या सर्किट ब्रेकर को लगाना है। करंट की संख्या पता होने के बाद उससे 25% बड़ी साइज की MCB या सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 25% बड़ी ही क्यों लगाते हैं, मतलब रेटिंग से 25% बड़ी क्यों बता रहा हूं मैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूं। इलेक्ट्रिक की सेफ्टी फैक्टर कहता है कि जिस भी उपकरण में MCB या सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं उस उपकरण के करंट रेटिंग से 25% अधिक साइज का MCB लगाना है। वो इसलिए दोस्तों कि कभी कभी अगर हमारा कोई भी उपकरण थोड़ा ज्यादा करंट ले रहा है जिससे हमारे उपकरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम अपने रेटिंग करंट के बराबर की ही सर्किट ब्रेकर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सर्किट ब्रेकर या MCB बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो इस ट्रिपिंग से बचने के लिए ही हम सेफ्टी फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए 25% रेटिंग ज्यादा की MCB या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी बात बताता चलूं दोस्तों, अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। अब आते हैं हमारे 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, AC और DC मोटर में किसके RPM ज्यादा होते हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको सिर्फ एक लाइन में देना है, DC मोटर का RPM AC मोटर से ज्यादा होता है। AC मोटर का RPM ज्यादा से ज्यादा 3000 तक ही होता है, जबकि DC मोटर का RPM इससे कई गुना ज्यादा होता है। RPM की फुल फॉर्म रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट है। अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि सीलिंग फैन के RPM कितने होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है कि जो हमारे काफी पुराने फैन आते थे उनके RPM होते थे 300 से 400 RPM, और जो अभी कुछ दिन पहले आ रहे थे तो फिर आ रहे 400 से 600 RPM। लेकिन अभी करंट में जो कुछ सीलिंग फैन आ रहे हैं तो कुछ के जो RPM है वो 800 से 900 RPM तक भी है, मतलब इतने RPM भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।